इंडिविजुअल और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, आई थिंक यहां फेल्योर पार्टी का है। इसके लिए मैं सिर्फ बिन्नी को कहूं कि बिन्नी की निजी महत्वाकांक्षाओं में यह पार्टी चकनाचूर हो रही है, ऐसा भी नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स। बहुत बड़ी बात साहिब सिंह जी। देखिए, सबसे पहले तो राहुल देव जी का जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उसको पूरी तरह नकारता हूं मैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता, आम आदमी देख रहा है, यही हश्र होना था जो हम सोच रहे थे, लेकिन जल्दी हो गया। सोच रहे थे कि शायद 5-6 महीने शायद निकल जाएंगे, लेकिन ये 20 दिन भी नहीं लगे, और 20 दिन में काम करना तो दूर है, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बहुत काफी होते हैं 20 दिन, और ये सामने चेहरा आ गया है। ये लोग ना तो इनकी कोई पार्टी, 8 तारीख के रिजल्ट आने के बाद तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया, राइट ऑफ करते जा रहे हैं साहब। इन्होंने देखिए बड़ा उठा रखा है, आप मौका देने को तैयार ही नहीं है, मौका तो दीजिए इनको। नहीं नहीं, मौका हम कहेंगे, दिल्ली की जनता ने इन्होंने क्या जनादेश दिया था, इन्हें विपक्ष में बैठने का स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन केजरीवाल सबसे ज्यादा कुर्सी के पदोलुप, हर व्यक्ति उसमें पदोलुप है, उनमें से ये भी पदोलुप हो सकते हैं, और उसी की मौत भी इसी तरह से होनी थी, और ये 20 दिन भी खिंच गए, मौत की घोषणा कर चुके हैं। मैं कहता हूं कि 20 दिन भी खिंच गए तो बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आइए हम सीधे चलते हैं दीपक रावत के पास, हमारे संवाददाता, उनके साथ बहुत सारे लोग लक्ष्मी नगर से जुड़े हुए हैं जो कि विनोद कुमार बिन्नी का कंस्टिट्यूएंसी भी है। दीपक, जरा कहिए लोग क्या बता रहे हैं भाई। मैं कुछ लोग ऐसे साथ हैं, काफी बोलना चाहती थी, कह रही हैं अगले काल, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है आज लगता है, जिसकी वजह से बिन्नी साहब भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और दीपक से भी बात नहीं हो पा रही उस इलाके से। आइए अब आपको थोड़ा सा एक छोटी सी रिपोर्ट और पेश कर दें कि ये अधूरे वादे क्या हैं, यानी कि जिन वादों का हवाला देकर बिन्नी साहब ने आज खाट खड़ी करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी की, ये वादे क्या रहे, जिसमें से कितने वादों को पूरा करने का दावा आम आदमी पार्टी ने किया और वास्तविकता क्या है, देखिए छोटी रिपोर्ट। आपको क्या जल्दी थी इतनी, आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था, आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही लूटे दिल्ली में, ये बहुत शर्मनाक बात है, और इसकी इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है आज। आम आदमी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठी है कि केजरीवाल जनता से किए वायदे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कभी केजरीवाल के सिपह सलार रहे विनोद कुमार बिन्नी अब केजरीवाल की साख की बखियां उधेड़ रहे हैं। बिन्नी ने पानी पर दिए केजरीवाल के फॉर्मूले को भी दिल्ली वालों के साथ धोखा और चालाकी करार दिया। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उस पर पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है, ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। अपनी ही सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए बिन्नी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि दिल्ली वालों के बढ़े हुए बिजली के बिल आखिर कब माफ किए जाएंगे। मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे, उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी उस दिन, लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थपड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीज है, ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए तरीका है। बिन्नी ने जन लोकपाल के साथ सभी अहम वायदों को पूरा करने के लिए केजरीवाल को सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दी है। बिन्नी की चेतावनी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब भी वायदों को पूरा करने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगते नजर आ रहे हैं। शीला दीक्षित या किसी ने भी जो भी भ्रष्टाचार किया होगा, सरकार को अभी आए हुए केवल 15-20 दिन हुए हैं जिनमें प्राथमिकता बिजली पानी और बाकी चीजों पर है जिस पर सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए और निश्चित समय पर जब वो बात आएंगी तब वो कहां फिर मुंह लेके जाएंगे जो ऐसा बात करें। बिन्नी ने अपने बयानों से केजरीवाल को जो घाव दिया उस पर नमक छिड़कने का काम किया विरोधी पार्टियों और उनके पुराने सहयोगियों ने। अब पॉलिटिकल पार्टीज जब आप राजनीति करें और वोट्स मांगे, समझदारी से अपने शब्दों को अपने कान से सुने, क्या ये संभव है? और जो मैं कह रहा हूँ उतने समय में संभव है, समय सीमा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय सीमा देनी चाहिए, लेकिन समय सीमा रीजनेबल दें, ये नहीं मैं आज और कल नहीं परसों। कांग्रेस और बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि सियासत की मुश्किलें केजरीवाल को अब समझ में आ रही होंगी। अब जिस तरह से झूठ के झाड़ से वो झाड़ू का झुंझुना बजा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, सपनों के सौदागर बन के आए, वो एक के बाद एक कलई खुल रही है।
इसलिए जो है वो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कांग्रेसी फूलों से, तो इसलिए जो है इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं और इनका मैं कहने का ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लगता कि एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन मुद्दा अभी बहुत गंभीर है। बिन्नी की बगावत के बाद उठे सियासी बवंडर में दिल्ली की जनता का दर्द कहीं गुम नजर आ रहा है। एक तरफ आपकी सरकार के सामने वायदों को पूरा करने का जोर है तो दूसरी तरफ बगावत है और वायदा खिलाफी का शोर है। ऐसे में आपकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में शायद कहीं तस्वीर बदल न जाए। ब्यूरो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने आपके सामने यह सवाल रखा था जिस पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने यह जवाब भी दिया है। हमने सवाल आपके सामने यह रखा था कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई साठगांठ है, कोई गठजोड़ है, क्या कांग्रेस और आपके बीच में मिलीभगत है, यह सवाल हमने आपके सामने रखा था। कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं जिसमें से कुछ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। गोकुल शर्मा जी का कहना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप और कांग्रेस में साठगांठ नहीं हो सकती। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी। प्रकाश जी का यह कहना था कि कांग्रेस समर्थन देने के बाद आप पर फालतू इल्जाम लगा रही है और देश की राजनीति गलत दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं आपकी आ चुकी हैं, उसमें से कुछ एक अभी आपके सामने हमने पेश की। इससे पहले कि हम इस शो को खत्म करें, आइए एक छोटी रिपोर्ट और दिखाएं। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के एक मंत्री की बात सामने आई, कानून मंत्री ने जिस तरीके से पुलिस के साथ हाथापाई तक की नौबत सामने ला दी, क्या यही तरीका है सरकार चलाने का? क्या इसी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी? और अगर मंत्रियों का व्यवहार यही रहा तो क्या आप इसे पसंद करेंगे? देखिए रिपोर्ट, चर्चा उसका छोटी सी उसके बाद कर लेते हैं। मंत्री मतलब किसको कब अलझाना है? अगर नहीं मानोगे कब अलझाना है किसको? आपको अरेस्ट करना था इनको, और अरेस्ट ना करके इनको आप क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको? आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी आपकी है ये पकड़ने के लिए उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग होना, कब अलझाना किसको? डूब पा रहे पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठे यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है? आप काम नहीं करने दे रहे हैं पुलिस को, आप रेड करिए उस घर को। ये जंग है दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और एक एसीपी के बीच। मंत्री जी निकले थे हौज खास इलाके में ड्रग्स और जिस्म फरोशी की शिकायत पर कार्रवाई के लिए। लोग कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि यहाँ एक घर में नाइजीरियाई सेक्स रैकेट चला रहे हैं। रात में मंत्री जी निकल पड़े छापेमारी के लिए, पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस ने सर्च वारंट न होने की दलील दी और इसी पर शुरू हो गया बवाल। मंत्री जी की बहस पुलिस को रास नहीं आ रही। उन्होंने दिल्ली के कानून मंत्री पर काम में दखल देने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल से भी कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मंत्री हो, जनता हो या फिर पुलिस हो, सभी कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री पुलिस के ऊपर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का दबाव डालते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सोमनाथ भारती मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी सफाई दी। लोग तो सर्च करके उनको निकालिए, कहते जी हम नहीं सर्च कर सकते, कानून अलाउ नहीं करता। गलत बात है, कानून में विदाउट सर्च वारंट भी सर्च कर सकते हैं अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन राइटिंग। दैट इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किस कारण से आपको बगैर सर्च वारंट का सर्च करना पड़ा। दिल्ली के कानून मंत्री पुलिस वालों पर साथ नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस वाले अपने काम में दखलअंदाजी का इल्जाम मढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है कि क्यों कानून के जानकार होने के बाद भी सोमनाथ भारती ने पुलिस को खरी खोटी सुनाई। दूसरा सवाल ये कि कई दिनों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की। टीम न्यूज नेशन। तो इस पर प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। सबसे पहले साहब सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी बस। देखिए मेरा कहना यह है कि जो सोमनाथ भारती मंत्री का जो व्यवहार है, लोकायुक्त को सुओमोटो तुरंत कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। ये कोई पहला अवसर नहीं है, पहले भी इन्होंने लॉ सेक्रेटरी को धमकाया था जी। और जजेस की मीटिंग बुलाई थी, उस समय पर ये किस तरह से बच गए थे। और अब इन्होंने, ये वकील होते हुए इन्हें पता होना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको फॉलो करना चाहिए, पुलिस भी उसको फॉलो करे, इनके खिलाफ लोकायुक्त में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नदीम जी, कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा तो की, लेकिन आप लोग कुछ करते हुए दिखाई देंगे क्या?
मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी को ये अंदाजा ही नहीं कि वो बने क्या हैं। वो लॉ मिनिस्टर बने हैं इस राज्य के और उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उसका निर्वहन करने के बजाय दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं जी। तो जरूर इस पर मैं समझता हूं कि सरकार गंभीरता से देखेगी, दिल्ली की जनता देखी रही है और दूध का दूध और पानी का निर्वहन करने के बजाय दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं जी। तो जरूर इस पर मैं समझता हूं कि सरकार गंभीरता से देखेगी, दिल्ली की जनता देखी रही है और दूध का दूध आप फिलहाल कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे, जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, आप लोग फिलहाल करते हुए कुछ नहीं दिखेंगे। राहुल देव जी, जिस तरीके से कानून मंत्री का यह व्यवहार है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भारती ने पहले भी जो व्यवहार किया वो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, पद की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था और आश्चर्यजनक भी था। एक वकील होने के बाद उन्होंने एक जजों की मीटिंग बुलाने की बात की और ये जो ये बिल्कुल गड़बड़ है। दिक्कत देखिए क्या है जी, ये आंदोलन का की आदत पड़े हुए लोगों की अचानक एक पार्टी बनी है जो अब अचानक सरकार में आ गए हैं जी। तो वो अभी उस आंदोलनकारी की ही भूमिका में है जो जमीन पर संघर्ष करता है, जो आवाज उठाता है, जो अधिकारियों से लड़ता है और काम करवाने की कोशिश करता है जी। लेकिन संसदीय परंपराएं दूसरी तरह से चलती हैं, सरकारें दूसरी तरह से चलती हैं, इनको थोड़ा अभी सीखना पड़ेगा। एक काफी कच्चापन और बचकानापन भी इस सरकार में और इस पार्टी में है, ये बिल्कुल मानना ही पड़ेगा और उनको समय चाहिए, उनको सीखने की जरूरत है, उनको अनुभव की जरूरत है। बिल्कुल, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में, राहुल देव जी क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। उमेश जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों की सबकी राय से सहमत हूं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कंसर्न फील करते हैं बहुत सारे इश्यूज को लेकर। मैकेनिज्म उनको समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल संतोष जी, छोटी टिप्पणी आपकी प्लीज। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सहमत नहीं हूं कि इनकी मौत हो गई है, इनका शोक गीत लिखा गया है। मेरा मानना है उनके पास जनता भी उनके साथ है, लेकिन क्योंकि मेरी पत्नी ने खुद आज ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी को टाइम देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी को फौरन एक नया टाइम टेबल देना चाहिए। अब इन चीजों को वो कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें दो राय नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी को बहुत ही सोच समझ कर हर कदम उठाना होगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।